काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि प्रकाश भाई सेटअप टूर का वीडियो लाओ, जिसे हम लोग भाई सेटअप टूर कह सकते हैं, स्टूडियो टूर कह सकते हैं, रूम टूर कह सकते हैं और डेस्क टूर भी कह सकते हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों मेरा सेटअप देखना चाहते हो कि मेरे सेटअप में क्या क्या है, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सेटअप में है क्या और कैसा है मेरा सेटअप। रूम के अंदर एंटर करते ही दोस्तों आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा हमारा रूम है। और दोस्तों ये जो रूम है वो 10x10 का है, यानी कि दोस्तों काफी छोटा सा रूम है और उसके अंदर हम लोगों ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ है। ये दोस्तों मेरा कोई पर्सनल यूट्यूब स्टूडियो नहीं है, ये दोस्तों मेरा रूम है जहाँ पे मैं रहता हूँ और उसमें ही मैंने अपना ये सेटअप बनाया हुआ है। और कुछ ऐसे वॉलपेपर दोस्तों मैंने लगाए हुए हैं अपने स्टूडियो में, ऊपर की साइड में बाकी है जो कि हम लोग बाद में कभी लगा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देखोगे तो हमारे रूम में ये बड़ा सा आईना लगा हुआ है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन दोस्तों हमारी जितनी नीड है उसके मुताबिक सही है। इसका इस्तेमाल दोस्तों मैं रेडी होने के लिए करता हूं और घर वाले भी सभी लोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने अपने रूम में हैकर मास्क भी लगाया हुआ है जो कि दिखने में काफी कूल लगता है, इसलिए मैंने दीवार पर लटका दिया है। और हमारे रूम में भाई एक आंख वाला छोटा टेडी बियर भी है जो कि आप लोग देख सकते हो। और उसके नीचे है दोस्तों हमारा 1,00,000 सब्सक्राइबर वाला सिल्वर प्ले बटन। ये दोस्तों पुराना सिल्वर प्ले बटन है, अभी का जो सिल्वर प्ले बटन मिलता है वो काफी अलग है, ये आप में से काफी सारे लोग जरूर जानते होंगे। और अब बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग की, तो मैं अपने रूम में कैसी लाइटिंग इस्तेमाल करता हूँ चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे तो एक इस साइड में लाइट रखी हुई है और दूसरी भाई इस साइड में है। मेरे पास दोस्तों दो ट्यूबलाइट है और एक अम्ब्रेला लाइट है। अम्ब्रेला लाइट दोस्तों मैंने कबर्ड के अंदर रखी हुई है, मैंने बाहर नहीं निकाली क्योंकि उसका कोई काम नहीं था इसके लिए। लेकिन दोस्तों ये वाली जो लाइट है इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमारे रूम में मैंने दो RGB लाइट लगाई हुई है और रिमोट आप लोग दोस्तों देखिए ये वाला उसका रिमोट है। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई चालू करके, तो देखो आप लोग कितना भाई कूल लग रहा है रूम। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों मैं करता हूँ वीडियो में अच्छा बैकग्राउंड दिखाने के लिए। और दोस्तों जो भी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप लोग देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मेरे टेबल के ऊपर क्या क्या चीजें रखी हुई है। तो दोस्तों देखिए ये जो है ये है एक आर्टिफिशियल प्लांट। इसके अलावा दोस्तों ये जो घड़ी है इसकी खास बात मैं आपको बताऊं, ये दोस्तों टाइम दिखाती है। खास बात मैं आपको बताऊं, इसमें दोस्तों नीचे बटन है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें दोस्तों लाइट जलती रहती है अलग अलग कलर की, जिससे भाई इसका जो लुक है वो काफी कमाल का लगता है। और अभी अंधेरा नहीं है तो आपको सही से दिख भी नहीं रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने राधा कृष्ण की ये छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई है अपने टेबल पर। इसके अलावा दोस्तों ये घड़ी भी यहाँ पर रखी हुई है। और बात करते हैं दोस्तों इन चश्मे की, तो ये है दोस्तों कंप्यूटर ग्लासेस। और इसका इस्तेमाल दोस्तों मैं तब करता हूँ जब मुझे कंप्यूटर में कोई वीडियो एडिटिंग करनी होती है या फिर फ्री फायर गेम खेलनी होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो चश्मे है वो कंप्यूटर में से निकलने वाली किरणों से हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए दोस्तों मैं इन चश्मों का इस्तेमाल करता हूँ। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन से हेडफोन का इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास जो हेडफोन है वो है रेड गियर कॉस्मोस 7.1 और इसकी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर डाली हुई है। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी, तो जाके आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों ये जो हेडफोन है ये गेमिंग हेडफोन है, इसमें RGB लाइट जलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों इसका ड्राइवर भी आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर आता है, उसके इस्तेमाल से हम लोग भाई इसमें वॉइस चेंज भी कर सकते हैं जो कि काफी सही हेडफोन है, तो इसलिए मैं इस हेडफोन का इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप में से कोई भी लेना चाहता हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग कब से वेट कर रहे थे हमारे गेमिंग पीसी के बारे में जानने के लिए कि मेरे पास कौन सा गेमिंग पीसी है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे ये मॉनिटर जो कि डेस्क के ऊपर रखा हुआ है। ये है दोस्तों LG की ओर से आने वाला मॉनिटर और इसका मॉडल नंबर है 22MK600M। और इसकी दोस्तों साइज पता नहीं है, शायद 21 या फिर 22 इंच का ये मॉनिटर है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो ये गेमिंग कैबिनेट है ये है दोस्तों एंट स्पोर्ट आइस 200 TG। और इसके अंदर दोस्तों जो भी हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं जैसे कि प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें, उन सभी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप लोग दोस्तों देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर है, ये जो गेमिंग पीसी है, ये AMD प्रोसेसर पे बना हुआ है। तो ये चीजें थी। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट की साइड में राउटर रखा हुआ है। और अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमारे चेयर के बारे में। तो हमारे पास दोस्तों जो चेयर है वो है गेमिंग चेयर ग्रीन और ब्लैक कलर में, जो कि दिखने में काफ़ी कमाल की लगती है और भाई हमें लंबे समय तक बैठना रहता है, तो उसके मुताबिक भाई ये जो चेयर है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि भाई इसमें हमें बैक सपोर्ट, नेक सपोर्ट, ये सारा मिल जाता है। और इसकी जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आई होप कि आपको हमारा ये सेटअप टूर वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई सेटअप टूर का वीडियो लाओ, तो भाई 2022 में आप लोगों के लिए सेटअप टूर का वीडियो आ चुका है और फिनिश भी हो चुका है, आप लोगों ने देख लिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना।